हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे फ्लॉयड वर्स वॉशर एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द एग्जैक्ट पाथ कि किस नोड से आप दूसरे नोड तक पहुंच सकते हो वाया विच नोड्स इन द वे. सो फ्लॉयड वॉशर इज द एल्गोरिथम विच इज यूज फॉर दैट. हमने वॉशर एल्गोरिथम किया था, उसी की ही ये एडवांसमेंट है जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स भी निकालेंगे. अलोंग विद दैट हम पाथ मैट्रिक्स भी निकालेंगे जिसमें आपके पास एग्जैक्ट पाथ भी गिवन होगा. सो इफ यू हैव सम नोड्स कनेक्टेड विद ईच अदर लाइक दिस, तो इसका जो वेटेज है हम वो भी देख लेते हैं. मान लो इसका 3 है, इसका वेटेज 5 है, इसका वेटेज 2 है, इसका वेटेज 4 है एंड दिस लाइन इज हैविंग अ वेट ऑफ 6, समथिंग लाइक दैट. सो 1 2 3 4 5 एजेस हैं, एक और ले लेते हैं ताकि थोड़ा इसमें कंपटीशन भी देखे कि कौन सी एज जो है वो छोटी है, हम किसको चूज करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए. सो ये आपका फ्लॉयड वॉर्शल के लिए मैंने ग्राफ बना दिया. जब आपने इस ग्राफ को बनाया तो अब आपके पास जो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी उसमें आपके पास क्या होगा, 5 वर्टेक्स है तो आपके पास 5 रोज एंड 5 कॉलम्स होंगे. ठीक है, सो आई हैव ए बी सी डी ई एंड आई ऑल्सो हैव हेयर ए बी सी डी ई. ए का ए के साथ कोई डिस्टेंस नहीं होता है, ए का बी के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है. बस यहाँ पर हम एक चेंज कर देंगे कि हम जो यहाँ पर मैट्रिक्स लेंगे उसमें वी विल बी टेकिंग इन्फिनिटी. तो आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो इसलिए हम 0 नहीं लेंगे. तो जहां पे हमें रास्ता नहीं पता है उसको हम मार्क करेंगे इनफाइनाइट वैल्यू से. सो जहां रास्ता नहीं पता है वो इनफाइनाइट, जहां रास्ता पता है वहां पे उसका वेट लिखेंगे. सो ए से सी तक है 2, ए से डी तक है 4, ए से ई तक है 5. बी से ए वी डोंट हैव अ पाथ, बी से डी वी डोंट हैव अ पाथ, बी से सी है 6, बी से डी हमारे पास कोई पाथ नहीं है, बी से ई है 3. देन सिमिलर वे सी टू ए इज 2, सी टू बी इज 6, सी टू सी होता नहीं है, सी टू डी है नहीं, सी टू ई भी हमारे पास कुछ नहीं है. देन यू हैव डी, डी का ए के साथ है 4 और ई के साथ भी है 4 और बाकी सब जगह पर इनफाइनाइट आ जाएगा. ई का जो लिंक है वो है बी के साथ, बी के साथ ई का लिंक है 3, ई का ए के साथ लिंक है तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा, ए के साथ है उसका 5, बी के साथ है 3, सी के साथ ई का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, डी के साथ है 4, अपने साथ तो होता नहीं है. सो ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है जहां से हमें अपना काम शुरू करना है. सो दिस इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड हम यहाँ पर अब 2 मैट्रिसेस बनाएंगे जिनको हम चेंज करेंगे, मतलब जिनको हमें प्रोसेस करना है. ठीक है, 2 मैट्रिसेस कौन सी होंगी आपकी, एक होगी पाथ मैट्रिक्स और एक होगी डिस्टेंस वाली मैट्रिक्स. तो एक में हम पाथ स्टोर करेंगे और एक में हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे. सो ये जो हमारे पास है इसी को हम डिस्टेंस के लिए भी ले सकते हैं, पर पाथ मैट्रिक्स हम साथ में एक और बना लेते हैं. एल्गोरिथम सेम है आपका वॉर्शल की तरह. ठीक है, एल्गोरिथम इज सेम एज वॉर्शल. तो उसमें जो हमारे पास एल्गोरिथम आपका है कि हमारे पास 3 नेस्टेड लूप होंगे आई जे के, हम उसी तरीके से अभी भी चेक करेंगे और हम यहाँ पर पाथ अपडेट करते जाएंगे. तो ए का अपने आप से कोई पाथ नहीं होता, ए का बी के साथ डायरेक्ट पाथ है वो हम यहाँ अपडेट करते जाएंगे. तो शुरू करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने वॉर्शल्स पढ़ा था. तो वॉर्शल्स में क्या था, आपका आई जो है वो इनिशियली यहाँ पर है, ठीक है, ए पर. सो यहाँ पर हम आई को ले लेंगे 0. ठीक है, यहां से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे ए से ए तक का पाथ, वो तो इन्फिनिटी होता है तो वी विल नॉट गेट अ पाथ एनी हाउ फ्रॉम देयर. सो ए से बी तक देखा आप मैंने, अब ए से बी तक का पाथ मेरे पास नहीं है. ठीक है, आई डोंट हैव एनी पाथ फ्रॉम ए टू बी, इट इज इन्फिनिटी. सो ए टू बी पाथ नहीं है तो अब तरीका क्या है, अब तरीका है कि किसी इंटरमीडिएट नोड से पहुंचा जाए, है ना. अब इंटरमीडिएट नोड के लिए आपका जो के है वो एक एक करके शुरू होगा. सो हम ए से ही जा रहे हैं तो ए को तो लेंगे नहीं, फिर हम देखेंगे वाया बी, बी तक जा रहे हैं तो बी भी नहीं होगा, फिर हम देखते हैं वाया सी. अब ए से सी मेरे पास रास्ता है, ए से सी जो रास्ता है वो है 2 और फिर सी से बी मेरे पास रास्ता है 6, है ना. तो ए से सी अगर मैं जाऊं और सी से बी जाऊं तो मैं बी तक पहुंच जाऊंगी, यही तो हमारा एल्गोरिथम है. तो ए से सी का डिस्टेंस पड़ रहा है 2, सी से बी तक का डिस्टेंस पड़ रहा है 6, तो 6 + 2 इज 8. सो ये टोटल डिस्टेंस है 8 और यहाँ पे जो डिस्टेंस मार्क्ड है वो है इन्फिनिटी.
सिंस यहाँ पे जो डिस्टेंस मार्क्ड है वो इन्फिनिटी है, तो हम दोनों में से छोटा चूज करेंगे। दोनों में से छोटा कौन सा है? 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, और इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास आ जाएगा ए सी बी। सो वी विल मार्क द पाथ एज ए सी बी, कि डायरेक्ट तो हमारे पास रास्ता नहीं है, बट ए के थ्रू सी और सी से बी जाते हुए हम रास्ता बना सकते हैं, ठीक है। पर अभी लूप खत्म थोड़ी हुआ है, तो अब सी के बाद डी हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि क्या डी के थ्रू बी तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, तो ए से डी तक का रास्ता है 4, डी से बी तक का इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट प्लस 4 विल बी इनफाइनाइट, तो मतलब इससे छोटा तो मिलेगा नहीं। चलो ये देख लेते हैं, अब ए से ई तक का रास्ता है 5, 5 से बी तक का रास्ता है 3, विच इज 8। सो यहाँ पे भी ऑलरेडी 8 ही मार्क्ड है, इधर से भी 8 ही आ रहा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। पर अगर ये कम आ रहा होता, अगर ये 8 की जगह 7 बन रहा होता, कुछ और बन रहा होता विच वॉज लेस देन 8, तो हम इस चीज को रिप्लेस कर देते, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी रिप्लेस हो जाता और यहाँ पे पाथ हो जाता ए ई बी, बट सिंस ये सेम है तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, जो पाथ है वही रहने देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका जो आई है अब वो 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, तो हम कहाँ पर हैं अब? बी पर, हम बी पर हैं, तो अब यहां से जब हम शुरू करेंगे, सो बी टू ए इज इनफाइनाइट, बी टू ए डायरेक्टली तो इनफाइनाइट है, पर अब देखते हैं किसी नोड के थ्रू पहुंच सकते हैं या नहीं। तो के फिर आपका ई ए होगा, एक जब वन ऑफ द नोड्स इंक्लूडेड होते हैं उनको तो लेना ही नहीं है, फिर सी आ गया। अच्छा, बी से सी रास्ता है 5, 6, अब सी से ए, सी से ए भी है, दैट इज 2, सो 6 + 2 = 8, तो यहां पर हो जाएगा 8, और यहां पर आ जाएगा आपके पास बी सी ए, ठीक है। उसके बाद हमारा डी हो गया, तो हम डी के थ्रू देखते हैं, सो बी से डी ही रास्ता नहीं है, तो फिर डी से आगे कैसे हो सकता है? बी से ई है 3, और ई से ए है 8, अगेन फिर से 8 आ रहा है, तो 8 हमारे पास मार्क्ड है, तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है बी से बी तक, वो तो इनफाइनाइट ही होगा, बी से सी तक 6 है, ठीक है, बी से सी तक 6 है, तो ठीक है, दिस इज ओके। पर हम यहाँ पर इसमें भी ए बी सी डी ई से देख सकते हैं कि अगर 6 से छोटा कोई मिलता है तो आप वहां से भी आ सकते हो, ऑल्दो दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, बट इफ यू फाइंड लेसर वन तो वो उसको भी कंसिडर करेगा। अब बी से डी डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर वाया जाके देखना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं के को ए ले लिया हमने, सो बी से ए हाँ है, बी से ए 8 है, और ए का डी के साथ है यस 4, 14, सो 14 नहीं 12 हो जाएगा, 8 और 4 = 12 हो जाएगा, सो 12 इन्फिनिटी से तो कम है, सो इट शुड बी मार्क्ड एज 12, सो इट शुड बी मार्क्ड एज 12। तो B से A का पाथ कितना था? B C A, सो B C A और फिर D, तो B से आप C पे जाओगे, C से A पे जाओगे, A से D पे जाओगे, और जो डिस्टेंस पड़ेगा वो पड़ेगा हमें 12, सो दैट विल बी द डिस्टेंस। यहाँ पर आपके डिस्टेंस सीधे सीधे मार्क हो गए हुए जो ये थे, क्योंकि इनके तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस होते हैं वो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो ये बी सी ए डी आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद अभी हमने सबसे चेक नहीं किया है, तो बी का बी से तो हो ही नहीं सकता, फिर बी का सी के थ्रू देखते हैं, सी के थ्रू अगर मुझे डी तक पहुंचना है, तो बी से सी तक का रास्ता है 6, सी का डी तक कोई रास्ता अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है, सो सिंस इट्स नॉट डिसाइडेड वो इनफाइनाइट है। ई के थ्रू देखते हैं, बी का ई तक डिस्टेंस है 3, लेकिन ई का सी तक कोई रास्ता नहीं है, तो मतलब ना तो डी के थ्रू पॉसिबल है ना ही ई के थ्रू पॉसिबल है। फिर बी टू ई देखा, वो डायरेक्ट है हमारे पास, बी टू ई कितना है 3, और उससे छोटा अगर मिलेगा तो हम रिप्लेस करेंगे, बट ठीक है, इट इज देयर। सिमिलर वे ये चीज आप रिपीट करते जाओगे करते जाओगे। अब आपका आई जो है वो 2 हो गया, फिर हम सी पे आ गए, सी का डायरेक्ट लिंक है, सी का इसके साथ भी है, अपने साथ हम लेते नहीं। अब आया सी का डी के साथ, तो सी का डी के साथ यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, तो हम वाया चेक करेंगे। वाया कैसे चेक करेंगे? सी है ए, तो सी से अगर ए पे जाते हो तो डिस्टेंस पड़ रहा है 2, और फिर ए से अगर हम डी पे जाते हैं तो डिस्टेंस पड़ रहा है 4, तो 2 + 4 = 6 में मैं पहुंच जाऊंगी। सो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी 6 में, कैसे? कि सी से ए पे जाओ और ए से डी पे जाओ, सो सी ए डी से आपका 6 डिस्टेंस पड़ रहा है, ठीक है। अभी वो आगे भी चेक करेगा, बी के थ्रू भी देख लेते हैं, सी का बी से डिस्टेंस है 6 और बी का डी के साथ डिस्टेंस है 12, जो कि 18 बनेगा इन टोटल, सो विच इज मच हायर देन दैट, तो हम चेंज नहीं करेंगे। सी के थ्रू तो जाओगे ही नहीं, फिर सी के डी, ये तो सोर्स और डेस्टिनेशन तो इंक्लूड ही नहीं करना, सी का ई के साथ ही इनफाइनाइट है, तो आगे कहाँ भी नहीं होगा, चलो ठीक है।
अब ये 6 मार्क हो गया। अब हम सी का ई के साथ डिस्टेंस देख रहे हैं। सी के साथ ई के साथ इनफाइनाइट है, तो देखेंगे किसके थ्रू जा सकते हैं। सो ए है, ए तक जाओगे तो 2 पड़ेगा, ए से ई तक जाओगे तो 5, मतलब 7 पड़ रहा है। तो फिलहाल तो ये चेंज हो जाएगा, इट विल बी 7 कि सी से ई ए और ए से ई चले जाते हैं। ठीक है, फिर बी के थ्रू भी देख लेते हैं। अब सी से बी जाएंगे तो 6 है, और बी से ई जाएंगे तो 3 है। तो 6 + 3 = 9, 9 7 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम सी को तो हम लेंगे नहीं। अगर हम डी के थ्रू देखते हैं तो सी से डी पहुंचने के लिए आपको चाहिए 6, और डी से ई पहुंचने के लिए चाहिए 4, विच इज 10। 10 इज अगेन नॉट लेस देन 7, तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हमने लेना नहीं है। तो सी का भी आपका पाथ आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर चलोगे डी, डी का डायरेक्ट जो है वो है आपका डी टू ए, एट द डिस्टेंस इज 4, वो मार्क भी है। डी का बी के साथ, डी का बी के साथ इनफाइनाइट है, तो आप एक एक करके चेक करना शुरू करो। ए के थ्रू जा सकते हैं क्या? डी से अगर हम ए पे जाते हैं तो 4 है, और वहां से अगर हम बी पे जाते हैं तो 12 है। सो टोटल कितना हो गया इसका? 12। तो डी का यहाँ पर आप 12 मार्क कर दोगे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी टू ए ए टू बी। सो डी टू ए ए टू बी, और ए टू बी भी ए सी बी है। सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डी ए सी बी। डी ए सी बी के थ्रू हम डी से लेकर बी तक पहुंच पाएंगे विद अ डिस्टेंस ऑफ 12। बट अभी हम और ऑप्शंस देखेंगे किसी और के थ्रू जा सकते हैं या नहीं। सो डी से बी तक जाना है हमें, बी तो सोर्स है, इसको नहीं लेंगे। फिर वाया सी देखते हैं। डी से सी तक का ही रास्ता नहीं है मेरे पास, नहीं ले सकते। डी से डी तक होता ही नहीं है। डी से ई तक 4 है, डी से ई तक 4 है, और ई से बी तक 3 है। सो ये बन गया 7, है ना। सो डी से ई तक 4 है और ई से बी तक 3 है, जो कि 7 बन गया, विच इज लेस देन 12। तो ये 12 चेंज होकर 7 हो जाएगा, और यहां पर जो आपके पास पाथ आएगा ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा डी ई बी। सो नाउ द पाथ विल बी डी ई बी, तो ये 7 हो गया। ऐसे ही अब इसको आप चलाते रहोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो डी से लेकर फिर हमें सी तक देखना है, डायरेक्ट पाथ तो नहीं है। फिर ए के थ्रू देखेंगे, ए के थ्रू बन रहा है 6 का, सो ये बन जाएगा, क्योंकि डी से ए तक जाओगे 4, ए से सी तक जाओगे 2, सो वो आपका बन जाएगा डी ए सी। सो वी आर गेटिंग 6। आई डोंट थिंक 6 से छोटा हमें मिलेगा, बट आपको चेक सबके लिए करना पड़ेगा। डी से डी तक होता नहीं है, डी से ई ऑलरेडी है। फिर ई का आ गया, ई का ए के साथ है, बी के साथ है, सिर्फ सी के साथ आपको निकालना है। तो ई का सी के साथ निकालने के लिए आई थिंक इट शुड बी 7, 5 + 2। ई से ए पे जाओ, ए से सी पे जाओ, तो ये 7 आ जाना चाहिए, और पाथ हो जाना चाहिए ई ए सी। इससे छोटा मिलने के चांसेस कम है, बट हमारा एल्गोरिदम तो पूरा चलेगा। तो आपके एल्गोरिदम ने तो एन क्यूब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पूरी निभानी है ना, उसने पूरा चलना है, वो अपना चेक करेगा, और आपके पास इस तरह से 2 मैट्रिसेस आ जाएंगी जो कि आपको प्रोवाइड करेंगी। क्या प्रोवाइड करेंगी? 2 मैट्रिसेस, एक पाथ और दूसरी हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगी, एक में आपके पास डिटेल्ड पाथ होगा और एक में आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इन सब के प्रोग्राम्स भी मैं आपको अलग वीडियोस में कराऊंगी, बट अभी के लिए दिस इज द लॉजिक एंड एल्गोरिथम, बट वी विल बी एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स फॉर द सेम, क्योंकि हमें यहाँ पे करने में टाइम लग रहा है। मशीन तो कर ही लेना है ना, मशीन तो फटाफट से कर लेगी, बट वी नीड टाइम टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसमें आई जे पर क्या आएगा? मिनिमम ऑफ वॉट? मिनिमम ऑफ एस डी आई जे कॉमा एस डी आई के प्लस एस डी के जे। सो दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड योर फ्लॉइड वॉशल। सो दिस इज लाइक थियोरेटिकली यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज में आपको इसको सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, मतलब पेपर का सोचो कितना टाइम इसमें चला जाएगा। सो दे गिव यू कि बताओ अब इसको यूज करके आप बनाकर दिखाओ पाथ मेट्रिक्स क्या होगी। सो इफ यू हैव टू क्रिएट इट, अ लॉट ऑफ टाइम गोज इन इट, बट या दिस इज हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। सो दिस इज योर फ्लॉइड वॉशल एल्गोरिदम विच इज यूज टू क्रिएट योर पाथ मेट्रिक्स एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेट्रिक्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम है डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। एंड वी हैव मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना एक और ऑल्टरनेटिव है, जो कि हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम।
सो वी विल बी डूइंग थ्री मोर एल्गोरिथम्स अभी ग्राफ्स में फॉर द टाइम बीइंग, जिनके थ्रू आप ग्राफ्स को प्रोसेस कर सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो, स्पैनिंग ट्री बना सकते हो. सो दोज विल बी डिजकेस्ट्रा एल्गोरिथम, प्रिम एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम, राइट. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप समझ आया है. एक बार दोबारा से अच्छे से देखना वीडियो को, अपने हाथ से करके देखोगे जो मैंने यहाँ पर किया है. जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं करोगे, आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा. सो मेक अ ग्राफ लाइक दिस, जैसे मैंने बनाया है, ऐसे आप जैसे मैंने एक एक स्टेप करा है, आपको भी एक एक स्टेप चला कर देखना है, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे. सो डू इट विद योर हैंड्स, राइट. यहाँ से देखो, अपने आप अपने रजिस्टर में अपने हाथ से करो, उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ नहीं आ सकता जब तक आप खुद उसे अपने हाथ से नहीं करके देखोगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो भैया इसको बनाने की कोशिश करो, और चैट में मुझे बताओ अपने ग्रुप चैट में कि यस मैम मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और मुझसे इम्प्लीमेंट हो गया. सो दैट वुड बी रियली गुड. यू कैन शेयर द स्क्रीन शॉट ऑफ योर कोड विद मी सो दैट आई कैन चेक इन केस देर इज एनी एरर और इफ देर इज सम प्रॉब्लम विद दैट. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय फॉर नाउ.